नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज आपके समक्ष हम उपस्थित हैं शॉर्ट न्यूज़ लेकर के। और सबसे पहले आप सभी को कल की जीत के लिए शुभकामनाएं और बधाई कि हमने पाकिस्तान को जो है बड़े अंतर से हरा दिया है। लगभग 228 रनों से हराया, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए। और अभी वर्ल्ड कप होने वाला है, तो उसके पहले हमारा जो मोरल है वो हाई हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था। तो चलिए, खैर, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें भी हम देख लेते हैं करके। तो पहली जो न्यूज़ है वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार की जो रिपोर्ट के आधार पर है, जहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया गया कि छत्तीसगढ़ जो है मनरेगा के रोजगार देने के मामले में 2018 से 22 के बीच जो रोजगार दिया है उसके मामले में जो है छत्तीसगढ़ जो है प्रथम स्थान पर स्थापित है। यहाँ पर लगभग इन 4-5 सालों में छत्तीसगढ़ ने 25 लाख लोगों को जॉब, मतलब जो 25 लाख जॉब कार्डधारी है उनको यहाँ पर जॉब दिया है या मनरेगा में काम दिया है। तो इस मामले में छत्तीसगढ़ का स्थान जो है प्रथम है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आज की जो नेक्स्ट दूसरी न्यूज़ है वो एक पुरस्कार से संबंधित है जिसका नाम है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। यह जो पुरस्कार है वो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा, जिसमें 45 वर्ष से कम के युवा वैज्ञानिकों को यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। इस साल इसके लिए 12 लोगों का चयन किया गया है, जिन्हें एक प्रशस्ति पत्र और 45 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकता है। 12 नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस किस क्षेत्र में दिया जाता है ये ध्यान रखिएगा, बस खत्म। ठीक है, और आज की जो तीसरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो छत्तीसगढ़ के प्रमुख और जाने माने साहित्यकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर परदेसी राम वर्मा, उनसे संबंधित है, जिनको हाल ही में विश्व कथा सम्मान देने की घोषणा की गई। ठीक है, तो विश्व कथा सम्मान ऐसे बहुत बड़ा पुरस्कार तो नहीं है या फिर बहुत फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा, ये परदेसी राम वर्मा जी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनके जो जो साहित्यकार है या जो जो इन्होंने साहित्य लिखे हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ में इतना ही था। कल मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।